फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरा व्लॉग आज मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम मॉर्निंग रूटीन। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी चाय बन रही है और मॉर्निंग के 6 बजे हैं और आज मैं बनाऊंगी साथ में पराठा और आलू की भुजिया। तो यही होगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो अभी चाय बन रही है, साथ में मैंने अदरक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ चाय बन रही है, साथ में मैं चढ़ा देती हूँ अपनी आलू की भुजिया। तो पैन लिया है मैंने, साथ में ऑयल ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है सूखी आलू की भुजिया और साथ में पराठा। या आलू पराठा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसे मौसम में। तो इसमें मैंने ऐड किया है जीरा यानी क्यूमिन सीड। ये मैंने भुजिया काट लिया है, आलू को लंबे स्लाइस में इसे मैं डाल दूँगी। तो इसे हम चला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे ताकि ईजिली सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, इसीलिए मैंने बैक कैमरा शूट किया है। तो अब मैं इसे ढककर पकने दूंगी और मीडियम फ्लेम रखना है। साथ में मेरी चाय बन चुकी है, इसे मैं छान लेती हूँ और मॉर्निंग की चाय मेरी रेडी हो चुकी है। Till my shadow turns to sun rays and I... तो फ्रेंड्स, अब मैं आटा तैयार कर लेती हूँ पराठा बनाने के लिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा हमेशा नमक डालती हूँ, तो नमकीन पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे पराठा का डो बना लेते हैं। और साथ में भुजिया भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तो ड्राई मसाले ऐड करती हूँ मैं इसमें, जैसे मिर्ची, धनिया और नमक। साथ में चाहे तो हल्दी आप डालें या ना डालें, ऑप्शनल है। तो इसे ढककर मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया था। तो ये हमारी भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं साथ में पराठे भी बना लूंगी, गर्मा गर्म पराठे। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होगा ये हमारा। तो फ्रेंड्स, सारे पराठे बन चुके हैं। अब थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी मैं गैस स्टॉप को। और एक्चुअली आज मुझे किचन की सफाई करना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सेल्फ तो बिल्कुल साफ़ है, यानी कैबिनेट टोटली साफ़ है, बट ऊपर का सारा जो स्ट्रेन हो जाता है ऑयल के कारण, उसे मैं क्लीन करने वाली हूँ। अभी सारा मैं रिमूव कर दूँगी, एक्चुअली जितना भी है गैस के ऊपर सारा सामान मैं हटा दूँगी और फिर फाइनली मैं क्लीन करूँगी अपना किचन।
तो फ्रेंड्स ये टिफ़िन तैयार है, मैंने रोल किया है भुजिया रखकर पराठे में, तो ये इजी होता खाने में। तो रोशनी अभी स्कूल जाने वाली है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, स्कूल जा चुकी है रोशनी। और फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का मैं क्लीन करूंगी अपना किचन। तो आज क्लीनिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ, काफी सारा स्ट्रेन हो गया है किचन में, टाइल्स में और चिमनी वगैरह सारा मैं साफ करूंगी, वो आपको रूटीन मैं शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स अभी के 8 बज रहे हैं, तो आफ्टर क्लीनिंग तभी मैं शावर लूंगी, क्योंकि उससे पहले लेने से कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी स्वेटिंग वगैरह होता है। तो अभी सारा मैं दिखाती हूँ। तो सारा किचन स्लैब मैंने क्लीन कर दिया है, एक्चुअली जो भी सामान है उसको मेनली हटा चुकी हूँ मैं। और मैं चिमनी दिखाती हूँ आपको, काफी स्ट्रेन है इसमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चिमनी वगैरह जो भी है क्लीनिंग करना है सारा कुछ, और ये ऊपर से भी है कुछ, तो पेंटिंग के भी गिरे हैं, ये सारा कुछ क्लीन करूंगी अभी मैं, और बिल्कुल चमक जाएंगे थोड़ी देर में। तो इसके लिए मैं एक DIY बनाऊंगी और उससे बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। एक्चुअली कैबिनेट के अंदर तो सब कुछ साफ है, थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे तो वो साफ है, ऊपर से मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगी क्योंकि ऑयल से स्ट्रेन हो जाते हैं, गंदा हो ही जाता है। तो ये सारा कुछ स्लैब जो भी बर्तन वगैरह थे और इंडक्शन वो सारा मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं एक DIY बनाऊंगी एक बड़े से कंटेनर में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। उसी से मैं सारा क्लीन करूंगी, टाइल्स एंड कैबिनेट एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं ऐड करूंगी विनेगर, साथ में होगा हमारा डिश वॉश, कोई भी डिश वॉश आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें प्रिल डिश वॉश ऐड करूंगी और साथ में ऐड करेंगे पानी। तो ये बहुत ही अच्छा DIY होता है और इससे काफ़ी अच्छा टाइल्स वगैरह क्लीन हो जाता है, किचन स्लैब गैस स्टोव वगैरह आपका बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो इस तरह से तीनों चीज़ यानी विनेगर और डिश वॉश, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इससे अच्छा सा फ्रॉथ बना लेना है। और एक स्क्रब से मैं सारा क्लीन शुरू करूंगी।
तो फ्रेंड्स, चारों तरफ मैंने अच्छे से डिश वॉश को यूज़ कर लिया है, कैबिनेट में और स्लैब में, सारी जगह गैस स्टोव में। अब मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करूँगी एक टॉवल से, ताकि पानी हमारा कम लगे। और वैसे भी मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पानी से धोने से एक रिस्की फैक्टर होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्विच बोर्ड वगैरह रहता है। तो मैं इसे बीच बीच में पानी में 3 से 4 बार क्लोथ को वेट करके पोछूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी पानी का डायरेक्ट यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की। तो 3 से 4 बार आप कपड़े को भिगोइए और निचोड़ के अच्छे से पोछिए, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये चिमनी का जो नेट है उसे भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि चिमनी का नेट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो उसे मैंने क्लीन कर लिया है और इसे सबसे पहले धोकर रख देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो जाए और साथ में जो भी
गैस स्टोव के सारे जो स्टैंड्स है उसको मैं धो लूंगी, और सारे जो ब्रेकफास्ट के हैं यूटेंसिल्स उसको क्लीन करना है। तो सारा किचन का मेरा ऑलरेडी हो चुका है, सारे कैबिनेट वगैरह अच्छे से मैं पोंछ चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा क्लीन हो चुका है। सारे बर्तन मच चुके हैं और ये स्टैंड सारा मैं लगा दूंगी पोंछ के ड्राई करके। और फ्रेंड्स ये चिमनी भी आप देख सकते हैं, पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन था, बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट था और ऑयल्स वगैरह चिपके हुए थे, तो चिमनी को भी रेगुलर यूज़ जब होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं पहले और अभी का डिफरेंस कितना अच्छा क्लीन हो चुका है। तो ये मेरा किचन तैयार है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इंडक्शन वगैरह मैंने सारे रख दिए हैं एक तरफ, तो ये तैयार है मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फ्रेंड्स फाइनली किचन क्लीन हो चुका है और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की क्लीनिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा कि मेरा लेटेस्ट अपलोड आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।